ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आपको दशहरा की बहुत बहुत मुबारकें। आज 5 अक्टूबर के ईश्वरीय वरदान की हम बात कर रहे हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सदा अपने उमंग उत्साह को आगे बढ़ाते चलें, किसी चीज़ की कोई कमी ना फील करें हम। और उमंग उत्साह अगर आगे रहेगा तो सक्सेस तो मिलना ही मिलना है ना। तो देखें परमात्मा कहते क्या है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भवा। उड़ती कला की स्थिति मतलब कि हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि ऊंची स्थिति, मनोस्थिति की बात कर रहे हैं। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं, जो मेडिटेशन करते हैं और जो परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा की रचना कैसे बनी है उसको जानते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो, नीचे मतलब कि कोई फिजिकल उससे नहीं, लेकिन हाँ नीचे मतलब कि कॉन्शियस स्टेज है आपकी, आप मेडिटेट कर रहे थे स्पेस और टाइम से दूर, और आप वहां से नीचे आ रहे हो, मतलब अपना ध्यान आप फिजिकल वर्ल्ड में लेके आ रहे हो फिजिकल चीज करने के लिए, हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो, कि आप वो हाईएस्ट स्टेज से नीचे आते हो लेकिन आप इस फिजिकल बॉडी में कर्म कर रहे हो, इस फिजिकल बॉडी को यूज कर रहे हो इस कर्म को करने के लिए, जो भी कार्य आपका, वो काम हो कोई भी वर्क हो आपका, और वो करते समय आप हल्के रहते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं ना कि अगर आप मेडिटेशन में चले जाते हो आप स्पिरिचुअल बन जाते हो, आप बहुत सैड बन जाते हो, बहुत ही मोरोस बन जाते हो, बहुत ही आप सीरियस बन जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लाइफ की छोटी छोटी चीजों में आप खुशी लेते हो, जो कि पहले बड़ी बड़ी चीजों से मिलती थी या मिलने की मिलाने की कोशिश करते थे, आप छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है आपको, छोटी छोटी उपलब्धियों में खुशी मिलती है आपको। आप वो फाइनल स्टेज के लिए नहीं वेट करते खुश होने के लिए कि हाँ जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा, जब मेरे लॉटरी लगी, जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, आप हर मोमेंट में खुश रह पाते हो। उमंग उत्साह का रस है तो, उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। कोई प्रॉब्लम आई लेकिन आप उमंग उत्साह, चलो करते हैं इसको सॉल्व करते हैं इस चीज को, प्रॉब्लम अरे कोई बड़ी बात नहीं है अभी कर लेते हैं इसको, ठीक कोई बात नहीं है, विघ्न आया ना इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। परीक्षा वा समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है कौन? उमंग उत्साह। अब ये बढ़ाएं कैसे, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और इसको आप कैसे समझें कि मेडिटेशन से होता क्या है, उसके लिए आप 15 अक्टूबर के एक सेशन को जरूर अटेंड करें, 15 अक्टूबर का सेशन इस साल का कुछ ही दिनों में आ रहा है। और उसके लिए मैं व्हाट्सएप का लिंक आपको यहाँ पे छोड़ दूंगा नंबर, जो कि आप उस पर जा करके उस लिंक के लिए मुझे रिक्वेस्ट करें, आपको मैं लिंक भेजूंगा, वो आपको ग्रुप में भेजेगा, और वो ग्रुप में आपको जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा 14th को, एक दिन पहले, और आप उसको ज्वाइन करें, आपको और डिटेल्स में पता चलेगा, और कुछ मेडिटेशन भी कराई जाएंगे वहाँ पर। इसके साथ ओम शांति।